नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने भटहट के पिपरी में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनपदवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय का लाभ सबसे अधिक सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना चाहती है और इसी सिलसिले में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, जहां पर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के पहले विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ किया है। ओपीडी संचालन का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी शुभारंभ के लिए आज यह तिथि तय की गई है, यानी कल से विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटट, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की, इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में
एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सके, इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा, इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए। और भाइयों बहनों, मां योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त 2021 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन तनकर के तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होमपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, मां बेटी की मौत का मामला। डीएम का एक और कारनामा आया सामने, जांच के लिए बनाई डीएम ने कमेटी, अपने ही समकक्ष अधिकारी को किया नियुक्त। पीसीएस जेबी गुप्ता एडीएम करेंगे मजिस्ट्रियल जांच, डीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। पीड़ित परिवार ने लगाए थे डीएम पर आरोप, अपने अधीनस्थों को भेजकर घर गिरवाने का आरोप। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का मामला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट, पीड़ित परिवार ने लगाए थे डीएम पर आरोप, अपने अधीनस्थों को भेजकर घर गिरवाने का आरोप। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का मामला। पीसीएस जेबी गुप्ता एडीएम को करेंगे मजिस्ट्रियल जांच, डीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। पीड़ित परिवार ने लगाए थे डीएम पर आरोप, अपने अधीनस्थों को भेजकर घर गिरवाने का आरोप। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का मामला। डीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट, पीड़ित परिवार ने लगाए थे डीएम पर आरोप, अपने अधीनस्थों को भेजकर घर गिरवाने का आरोप। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए बिल्कुल दुर्गेश, आपको बता दें कानपुर देहात का ये रूरा थाना क्षेत्र का मनोली गांव है, जहां पर पिछले 24 घंटे पहले एक बड़ी वारदात हो जाती है जिसमें मां बेटी की जलकर मौत होती है। इस मामले पर फिलहाल मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश आज जिलाधिकारी ने दिए थे, लेकिन एक सवाल ये बड़ा ये है कि आखिर जो जिलाधिकारी जिस पर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, उनको ये जांच करने के लिए अपने महापहेत को नियुक्त करना ये बड़ा सवाल है। शासन की ओर से अभी तक इन जिलाधिकारी को निलंबित नहीं किया गया, ना ही तो पद से हटाया गया। आखिर पीड़ित परिवार को इस मामले में किस प्रकार से न्याय मिल पाएगा? आरएन टीवी का ये बड़ा सवाल है। जिला मजिस्ट्रेट जिस प्रकार से इस पर कार्रवाई और अपनी नियुक्ति एक महापहेत को कर दी है, जिसमें पीड़ित परिवार को आपत्ति है और पीड़ित परिवार लगातार डीएम पर भी आरोप लगा रहा था, इसमें अगर मजिस्ट्रेट अगर जांच की बात करें तो जेपी गुप्ता जो कि एडीएम वित्त और राजस्व है, जो कि बिल्कुल कैडर के अधिकारी हैं, इन्हीं के मातहत हैं, उनको डीएम नेहा जैन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, जो कि एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं बात करें
कानपुर देहात में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, जिलाधिकारी नेहा जैन मौके पर नहीं गई, ना तो कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक उनका आया है। जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब डीएम पर ही आरोप है तो फिर डीएम को ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी और डीएम ही जांच कराएंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल शासन की मंशा है कि पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन शासन पर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर घटनाक्रम के करीब 25 घंटे से ऊपर बीत रहे हैं, अभी तक डीएम को उनके पद से हटाया नहीं गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी लगातार अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है और अपनी कुर्सी पर जमी हुई है, और इस जो घटनाक्रम हुआ है इस पर उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें अपने ही मातहत एडीएम ज्योति गुप्ता को नियुक्त किया है। आखिर ऐसे अधिकारी से कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी, पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। वही बात करें, पिछले 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक कानपुर देहात इन्वेस्टर सम्मेलन और कानपुर देहात महोत्सव चल रहा था, इस दौरान करोड़ों रुपए की बर्बादी की गई, वो नृत्य का वीडियो जिलाधिकारी का लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उस दिन भी जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन फिर लगातार उस वीडियो की चर्चा होती है, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक शुक्रिया जितेंद्र, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कानपुर में लगातार डीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने खुद आरोपी होने के बावजूद जांच कमेटी बना दी और वो जांच रिपोर्ट भी डीएम को ही सौंपी जाएगी, जो कि डीएम पर आरोप लग रहे हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, टीवी डिबेट में गए थे दोनों, तिखी बहस के बाद हुई हाथापाई। भगवान राम पर टिप्पणी से भड़के महंत राजू दास। लखनऊ के ताज होटल का है मामला। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, टीवी डिबेट में गए थे दोनों, तिखी बहस के बाद हुई दोनों में हाथापाई। भगवान राम पर टिप्पणी से भड़के महंत राजू दास। लखनऊ के ताज होटल का है मामला। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, टीवी डिबेट में गए थे दोनों, तीखी बहस के बाद हुई हाथापाई। स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास में हाथापाई हुई है। लखनऊ के ताज होटल का यह पूरा मामला बताया जाता है। टीवी डिबेट में दोनों हिस्सा लेने गए थे, जहां पर तीखी बहस के बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद से ही लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लगातार ये मामला गरमाया हुआ है और अब महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई की तस्वीर सामने आई है। लखनऊ का यह पूरा मामला है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच हाथापाई की तस्वीर आप टीवी पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इस वक्त में महासचिव भी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से पूरा माहौल लगातार गर्माया हुआ है। सपा विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दलितों पिछड़ों के साथ ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। यह सरकार खुद को ब्राह्मणों का हितैषी होने का ढोंग रच रही है और कानपुर देहात की घटना निंदनीय है। प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। विधायक अमिताभ वाजपेयी को जबरन रोका गया, उन्हें नजरबंद किया गया। सरकार के इशारे पर हमें और हमारे विधायक को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुख्य सचेतक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस लगातार जनता से दुर्व्यवहार कर रही है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि फोन और समाचार पत्रों में संवेदना व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। जो कानपुर देहात की घटना घटी,
जो दृश्य मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, उनकी जो विजुअल आई हैं, उसने हमने और आप, हमको और आपको और संपूर्ण मानव जगत को उसने कहीं न कहीं हिला दिया है। जहां मानवता शर्मसार हुई है, वहीं कैसे हम मान सकते हैं कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जहां का सबसे बड़ा मजबूत संविधान है, कानून है, राजस्व एक्ट बना हुआ है, राजस्व संहिता है, उसके बावजूद मनमाने ढंग से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं, एक गरीब दीक्षित परिवार जिसके ऊपर केवल ये आरोप है कि जो उन्होंने अपना कच्चा मकान बना रखा था, उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज की आती है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 16 फरवरी से 4 मार्च तक होने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के जेल समेत 80 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में इस बार 51,297 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। जिला प्रशासन ने 2 संकलन केंद्र बनाए हैं, जहाँ परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं संकलित की जाएंगी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह बोर्ड परीक्षाओं को लेकर काफी गंभीर हैं। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों और अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। जिला जेल समेत 80 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होने वाली परीक्षा में हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस बार हाईस्कूल के 28,188 और इंटरमीडिएट के 23,109 कुल 51,297 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जनपद फर्रुखाबाद के अंदर जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, वो कुल 80 केंद्रों पर ये संपन्न होगा। इसके लिए कुल 4 जोन और 20 सेक्टर में पूरे जनपद को बांटा गया है। जोन लेवल पर क्षेत्राधिकारी लगाए गए हैं, साथ ही साथ इसके अंदर कुल 20 हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, 79 सब इंस्पेक्टर और 158 कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल हर केंद्र पर जो ड्यूटीज है उनकी लगाई गई है। स्कूल इंटरमीडिएट की इसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस बार हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में 51,307 छात्र प्रतिभाग करेंगे। इसमें हाई स्कूल में 28,192 हैं, जिसमें अगर लड़के देखे जाएं तो 16,083 और लड़कियां 12,109। इंटरमीडिएट में टोटल हैं 23,115, इसमें लड़के 13,510 और लड़कियां 9,605। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली सार ये बगैर मानक चल रहे हैं अवैध कॉलेज। बुशरा कॉन्वेंट स्कूल में चल रही कक्षाएं, अवैध रूप से किया जा रहा कक्षाओं का संचालन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा, स्कूल को है सिर्फ 8वीं तक की मान्यता। 9वीं और 11वीं कक्षाओं के भी हो रहे हैं दाखिले। विज्ञान कॉमर्स की लगाई जा रही कक्षाएं, इंटर कॉलेज में तमाम मानकों की उड़ाई जा रही धज्जियां। ना खेल का मैदान है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था। बरेली के जगतपुर में बना है बुशरा इंटर कॉलेज। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंटर कॉलेज के तमाम मानकों की उड़ाई जा रही धज्जियां, ना खेल का मैदान है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था। बरेली के जगतपुर में बना है बुशरा इंटर कॉलेज। 9वीं और 11वीं कक्षाओं के भी हो रहे दाखिले। विज्ञान कॉमर्स की लगाई जा रही कक्षाएं, ना खेल का मैदान है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुशरा इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं बरेली की, जहां पर तमाम मानकों का उल्लंघन करके इंटर तक के दाखिले हो रहे हैं। 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के भी दाखिले हो रहे हैं, जबकि स्कूल की मान्यता सिर्फ 8वीं तक की है।
बुशरा कॉन्वेंट स्कूल में नवी और ग्यारहवीं की कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं, बगैर मानकों के पूरी पढ़ाई हो रही है। बुशरा कॉन्वेंट स्कूल में चल रही हैं कक्षाएं, आपको बता दें कि नवी और ग्यारहवीं के दाखिले भी हो रहे हैं, लेकिन स्कूल को सिर्फ आठवीं तक की मान्यता मिली है। आठवीं तक की मान्यता स्कूल की है और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हो रही है और इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चल रही हैं। उसके पास सफिशियंट कमरे होने चाहिए, उसके बाद जमीन होना चाहिए। मतलब कितनी जमीन चाहिए होती है? बोर्ड का मानक है, एक 17 बिस्वा होना चाहिए था, जो अब बिस्वा तो अलग अलग है ना, मान्यता मिला हुआ है पहले का ना, आप कह रहे होंगे नाइन फोर में मान्यता मिला हुआ, मान्यता 9-4 में पहले मिल गई थी इस प्रतिबंध के साथ कि इसे ये पूर्ण कर लेंगे। जो कमियां पूर्ण नहीं हुई है उन पे विवाद क्या कार्रवाई करना है, समय समय पर कार्रवाई करना चाहिए। महोबा में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही देखने को मिली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बल्कि स्वीपर मरीजों का इलाज कर रहा है। एक सफाई कर्मचारी आए हुए मरीज का न केवल इलाज कर रहा बल्कि खुद उसे इंजेक्शन भी लगा रहा है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जिले के CMO जांच के बाद कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी इंजेक्शन लगाने की बात से वे मुकर रहे हैं। सफाई कर्मी ने मरीज को इंजेक्शन गलत लगाने का वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। बाद में रहने वाले महोबा के स्वास्थ्य महकमे के लापरवाही की एक तस्वीर कुलपहाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां एक सफाई कर्मचारी इमरजेंसी वार्ड में मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल है। बताया जाता है कि एक मरीज को परिवार के लोग इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ लेकर पहुंचे थे, जहां मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, मैंने अधीक्षक से भी बात की है। वो बता रहे हैं कि उस समय पेशेंट वर्कलोड एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कुछ सहायता ली है उसकी, और एक्चुअली इंजेक्शन नहीं लगवाया है, उससे सहायता ली है और फोर्थ क्लास उसमें हेल्प किया ही करता है, लेकिन मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो उसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंड की कार्रवाई की जाएगी। वहीं झांसी में जिला अस्पताल के आकस्मिक भ्रमण के दौरान उन्होंने OPD एक्सरे कक्ष, मेल सर्जिकल वार्ड, पाकशाला का निरीक्षण किया। मरीजों और उनके तीमारदारों से एक्सरे, दवाई मिलने और सर्जिकल वार्ड में मरीजों से खाना मिलने के संबंध में जानकारी ली। जानकारी प्राप्त करने पर स्थिति संतोषजनक पाई गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने निःशुल्क की जाने वाली जाँचों और निर्धारित शुल्क पर की जाने वाली जाँचों के संबंध में बोर्ड लगाए जाने, दवाएं निर्धारित पर्चे पर ही लिखे जाने और कार्य में लापरवाही के कारण एक डॉक्टर का स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। महाशिवरात्रि को लेकर हुई बैठक, पूर्व जिलाधिकारी और SSP ने की बैठक। पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर हुई चर्चा। शिवालयों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं की भी जानकारी। शिवालयों में CCTV लगाने के आदेश, DM चंद्र प्रकाश सिंह ने दिया आदेश। गुलावटी थाने में लोगों के साथ की बैठक। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने लोगों के साथ बैठक की और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह 27 जनवरी को अनंत राम टोल टैक्स अरैया से लखनऊ चिंतन शिविर में जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की।
इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव को रोका गया, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष औरैया और मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव को किसानों के साथ हुई अभद्रता के लिए ज्ञापन दिया। हाँ नहीं करवा लिया था काम लगवाया अधिकारी। आप 27 जनवरी को यहाँ पे प्रयागराज चिंतन सभा लगा हुआ था, वहाँ जा रहे थे, उनको रोका गया। आप इनके साथ बैठ जाओगे तो फिर कोविड के लिए उन्हें लगेगा, उनके साथ कुछ अभद्रताएं हुई। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सभी किसान पदाधिकारी इकट्ठे हुए और अपना एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हिंदुस्तान में जाते हैं क्योंकि हमारी जमीन पर ये एक्सप्रेस वे टोल सारी हमारी जमीन पर बनी हुई है और हम इस देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, जिसको इस देश के सरमाएदार से लेकर नेता प्रशासन अधिकारी सारे देश का मन कौशल करने की रात दिन मेहनत करते हैं। हमारी ये मांग थी कि टोलों पर हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता जिसका मैसेज वहाँ के जिलाध्यक्ष द्वारा कर दिया जाएगा और वहाँ गाड़ी हमारी निकाल दी जाएगी। किसी मीटिंग वगैरह में हम जाते हैं धरना प्रदर्शन में, क्योंकि आंदोलन जो करता है वो किसानों के भले के लिए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, घरों में घुसकर लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 साथी लुटेरों को किया गिरफ्तार, बुजुर्गों को निशाना बनाते थे आरोपी, 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को दे चुके अंजाम। दिल्ली NCR में देते थे वारदातों को अंजाम, 2 लाख की चैन कैश केमिकल बरामद। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घर में घुसकर लूटपाट करने के वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोएडा की ये तस्वीरें हैं। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 108 में साइबर हेल्प डेस्क का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि जिला गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यह पहल की है। आपको बता दें कि जिले में साइबर अपराधियों पर 16 सदस्यों की साइबर एक्सपर्ट की टीम नजर रखेगी, साथ ही पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की निगरानी में कंट्रोल रूम चलेगा। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ऑफलाइन साइबर शिकायतों की संख्याओं का एक बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नंबर में ये शिकायतें हमारे पास रोज आ रही हैं। आज एक सी उद्देश्य से इन शिकायतों के टाइम बाउंड निस्तारण के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत जनपद में की जा रही है और इस टास्क फोर्स को गठित करके 24 घंटे इस हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। 4846100 इस नंबर पर आपके साथ अगर कहीं भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो, नॉन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो या कंपनियों के मध्य ट्रांजैक्शन में कोई हेराफेरी हुई हो तो इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई नेशनल हेल्पलाइन 1930 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। खबर रामपुर से है, जहां बाइक रिपेयरिंग दुकानों के दुकानदारों की ओर से सड़कों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर लोगों के आवागमन में काफी समस्याएं पैदा होती थी और रोड पर जाम लगा रहता था, जिसको लेकर नगरपालिका ईओ ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पुलिस बल के साथ ऑटो रिपेयरिंग सेंटर और जितने भी ऐसे दुकानदार हैं उन्हें अवैध अतिक्रमण दुकानों के आगे कर रखा है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की है और 8 दुकानों पर नगरपालिका की ओर से कार्रवाई की गई है। ये फ्रेंड्स कॉलोनी में जिला पंचायत वाली रोड है, इस पर जो है प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के जो है 7-8 बजे तक ये मोटरसाइकिल की जो दुकानें हैं, दुकानें तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाहर जो है ये लोग अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं और मोटरसाइकिलों का जो है रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करने का कारण जो है काफ़ी मोटरसाइकिलें इकट्ठी होती रहती हैं, जिससे लोगों को आवागमन बड़ा असुविधा होती है। एक बार मौखिक रूप से हमने इनको सूचना भिजवाई कि आप लोग अपनी मोटरसाइकिलें अंदर ही इसकी रिपेयरिंग करें, रोड के बाहर ना करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।